बच्चों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं नीलम लेकर आपकी हिंदी क्लास। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे पहले आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? सभी लोग सब कुछ कर रहे हैं ना? जितना भी वर्क आपको मिल रहा है आप उसे कर रहे हैं ना? साथ के साथ पेंडिंग मत रखना, ठीक है? सब लोगों को अपना काम साथ के साथ, जब आप वीडियो देखते हैं और आपको इसके साथ साथ जो शीट मिलती है अटैचमेंट में, उसको देखकर तुरंत अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करते जाइए। कोई पेंडिंग नहीं रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। और हाँ, आप सबको बता दूं, अगले वीडियोस में मैं आपसे आपका होमवर्क मांगने वाली हूँ, ठीक है? इसलिए अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? चलिए अब अपनी क्लास शुरू करें। गुड। भाषा बोध के प्रश्न 1, 2 और 3 हमने पिछले वीडियो में किए थे, सबने कर लिए ना? गुड, वेरी गुड। जिसने नहीं किया वो अभी कंप्लीट करो, ठीक है? और अब हम करेंगे भाषा बोध के प्रश्न 4 और 5। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? भाषा बोध के प्रश्न 4 और 5 को करेंगे। ये सब भाषा बोध का जितना भी काम है आपको किस में करना है? अपनी बुक में। तो आप सब अपनी बुक निकाल लो जल्दी से। यस, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने निकाल भी रखी है, गुड। इसी तरह से अपना काम फटाफट से करते चले जाइए, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, पढ़ो समझो और लिखो। हमें क्या करना है इसमें? इसमें हमें बताना है कि इन सबको क्या कहते हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करे। विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाला कौन होता है? वैज्ञानिक। ये आपकी बुक में दिया हुआ है ना? यस। दूसरा है किसी विषय की व्याख्या करने का काम। जब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्याख्या। वह संस्था जहां सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है, वह संस्था जहां सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है उसे कहा जाता है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय जो इलाज करे। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए? डॉक्टर के पास। तो जो इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। जो पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? अब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं कौन हूं? अध्यापिका, है ना? तो जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? अध्यापक। अध्यापक। वस्तुओं को दिखलाने का काम। जब हम वस्तुओं को किसी चीज को दिखलाते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे? उसे कहा जाता है प्रदर्शन। प्रदर्शन। फिर जो विद्या ग्रहण करता है, विद्या ग्रहण करता है, जैसे जो पढ़ाता है वो तो अध्यापक है और जो विद्या ग्रहण करता है वो कौन है? जैसे मैं अध्यापिका, मैं आपको पढ़ा रही हूं और आप कौन है? विद्यार्थी। कौन है? विद्यार्थी। जो विश्वास करने योग्य हो। विश्वास करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीय। विश्वसनीय। तो बच्चों ये सारा काम आपको किसमें करना है? अपनी किताब में। भाषा बोध का प्रश्न नंबर 5 है, शब्दों का अलग अलग अर्थों में वाक्य प्रयोग करो। कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं जिनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक है? तो हमें उनको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग।
समझ में आए। पहला शब्द है मत। मत के दो अर्थ होते हैं, एक होता है नहीं और दूसरा होता है राय। तो नहीं में हम क्या करेंगे, वहां बिल्कुल मत जाओ। जैसे हमें कहीं नहीं जाना है, वहां मत जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ही इसका अर्थ है मत। मत का मतलब नहीं। दूसरा अर्थ है मत का राय, मेरी राय में यह कार्य गलत है। ठीक है, पर अपर के भी दो अर्थ होते हैं, लेकिन परंतु बोलते हैं ना, इसका अर्थ क्या होता है पर। और इसी तरह से दूसरे पर का अर्थ होता है पंख, जैसे चिड़िया के पंख, तो उसको हम पर भी कहते हैं। तो वाक्य क्या बनाया, वह तो आ रहा था पर किसी कारणवश नहीं आया। वह तो आ रहा था पर किसी कारणवश नहीं आया। इसी तरह से पंख, पर का अर्थ क्या होता है पंख। तो मोर के पर रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पर कैसे होते हैं, मोर के पंख कैसे होते हैं, रंग बिरंगे, इसलिए मोर के पर रंग बिरंगे होते हैं। पता, पता मतलब जानकारी, यानी मुझे उसके बारे में पता नहीं है। आप बोलते हैं ना, जब आपसे पूछा जाता है आपको पता है वो कहाँ है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो यानी जानकारी नहीं है, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। और दूसरे पता का अर्थ क्या होता है, जैसे चिट्ठी पर लिखे जाने वाला पता, चिट्ठी जब भेजते हैं तो उस पर हम क्या लिखते हैं, पता। सिद्धि ने अपने घर का गलत पता बताया। तो इस तरह से ये वाक्य बना। तो आज इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 कंप्लीट कर ली। ये सब कार्य जो है, ये सब जो वर्क है, आपको किस में करना है, बुक में, राइट। तो अब आप ये सभी कार्य अपनी बुक में करें, और मैं अब अगले वीडियो में कुछ और लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।